गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये दूसरा लेक्चर है, 64th बीपीएससी मेंस के लिए। इसमें मैं आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा, स्पेशली भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका है भू आकृति विज्ञान। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आ सकता है 64th बीपीएससी में, वो है आपका अपरदन चक्र क्या है, डेविस वर्पेन के अपरदन चक्र की तुलना करें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, ज्वालामुखी, भूकंप एवं पर्वत निर्माण की कल्पनाओं में यह कैसे सहायक है। थर्ड क्वेश्चन है, अपरदन के कारक के रूप में हिमनद के कार्य का विश्लेषण करें तथा हिमनद द्वारा जनित मुख्य स्थलाकृतियों का वर्णन करें। दोस्तों, हर साल किसी न किसी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति से क्वेश्चन आता ही है। पिछली बार आपका आया हुआ था काष्ठ भू आकृति से, जो 63वीं बीपीएससी में इसमें आया था काष्ठ भू आकृति से निर्मित स्थलाकृति। तो काष्ठ स्थलाकृति तो ऐसे तो इस बार नहीं आएगा, लेकिन आप पवन, नदी और हिमानी तीनों को तैयार कर लीजिएगा, किसी एक से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हम लोगों का भू आकृति विज्ञान से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आपको इसी पर वर्क करना है। फिर चलते हैं आगे हम लोग जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में दोस्तों तीन चार क्वेश्चन ही आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है वायुमंडल की संरचना का वर्णन करें एवं उसके प्रत्येक स्तर की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और दूसरा है कोपेन और थेरवांट्रा का जलवायु वर्गीकरण। और एक क्वेश्चन और आता है इससे, वो है उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कि पिछले बार पूछ चुका है, तो इस बार आने की संभावना उसकी बहुत कम है। तो आप जलवायु विज्ञान से ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हम लोग आगे समुद्र विज्ञान में। समुद्र विज्ञान में दोस्तों जो इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, महासागर के सामान्य तलीय उच्चावच का वर्णन करें और हिंद महासागर के तलीय उच्चावच के विशिष्ट लक्षणों को बताएं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वह है प्रवाल भित्तियों के निर्माण संबंधी अवतलन एवं हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की आलोचनात्मक विवरण दीजिए। फ्रेंड्स, प्रवाल भित्ति से पिछले बार भी क्वेश्चन आया हुआ था 63वीं में, लेकिन वो क्वेश्चन आया हुआ था कि मूंगे के चट्टान या प्रवाल भित्ति के लिए अनुकूल स्थितियों का वर्णन कीजिए और कोरल ब्लीचिंग के लिए जो कारक है उस पर प्रकाश डालिए। उसमें आपका सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं आया था, तो मे भी इस बार क्वेश्चन आना अगर होगा प्रवाल भित्ति से तो वह सिद्धांत से आएगा, जिसमें आपका अवतलन सिद्धांत और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है आपका, महासागरीय जलधाराओं तथा महासागरीय ज्वारों में क्या अंतर है, अटलांटिक महासागर में जलधाराओं की उत्पत्ति एवं संचलन की व्याख्या करें। तो पिछली बार दोस्तों लवणता से क्वेश्चन आया था समुद्र विज्ञान से, तो लवणता से क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा, इस बार आपका महासागरीय जलधाराओं से आने के ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें पूछा है अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को, आप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इन सब के जलधाराओं को भी तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि अटलांटिक ना पूछ के कोई और पूछ ले, तो अगर आपका तीनों तैयार रहेगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, वो है ज्वार। ज्वार के प्रमुख प्रकारों तथा उनकी उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। और जो पाँचवा क्वेश्चन है वो है, समुद्री निक्षेप क्या है, उनके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें, समुद्र तल पर उनके वितरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये समुद्र विज्ञान से टोटल पाँच क्वेश्चन मैंने गेस किया हुआ, और इसकी आने की पूरी संभावना, इतना इतना को आप तैयार कर लीजिए जिससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद चलते हैं, ये तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भू आकृति विज्ञान। दो चैप्टर और हैं जिससे दो ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको, पर्यावरणीय भूगोल और जैव भूगोल। इन दोनों चैप्टर से मिला के दो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि मृदा के वैश्विक वितरण की व्याख्या करें तथा मृदा की उत्पत्ति में जलवायु, चट्टान एवं जैविक प्रक्रिया के योगदान की चर्चा करें। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये इस बार का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आ सकता है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि जीवों का क्या अर्थ है, विश्व में मानसून जीवों के विस्तार, जलवायु दशाओं, पादप समुदाय तथा पशु जीवन की विवेचना कीजिए। जीवम से मिला जुला का हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था जीवम से वो आपका आया हुआ था
समशीतोष्ण जीवम के बारे में आया था, समशीतोष्ण घास मैदान जीवम के बारे में आया हुआ था, तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन आप दो तैयार कर लीजिएगा, एक तो आप तैयार कर लीजिएगा सवाना और दूसरा मानसूनी, क्योंकि समशीतोष्ण पूछ चुका है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का। मैंने पिछले लेक्चर में जो भी थॉट्स है मानव भूगोल में संदर्श और मानव भूगोल मॉडल सिद्धांत और नियम, उससे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन को एक्सपेक्ट किया था, और इसमें भी लगभग मेरे 10 से 12 क्वेश्चन हैं। और जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो होगा आपका भारत का भौतिक भौतिक भूगोल और बिहार के विशेष संदर्भ में भूगोल, तो उसको मैं करा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, अगर आप तैयार भी किए होंगे तो इन क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।